जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उस पर आदेश आ चुका है, जो कि लगभग सभी को पता है कि बीएड को अब प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो अब बीएड वालों का क्या होगा, क्या कुछ फैसले में परिवर्तन हो सकता है, बीएड वाले अब किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या है पूरा मामला, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसको आज की डेट में डीएलएड के नाम से जाना जाता है, तो पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। साथियों, 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना जाएगा। अगर बीएड धारक लेवल 1 में पास होता है तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड धारकों को शामिल करने पर बीटीसी वालों ने क्या किया, एक आंदोलन अपना खड़ा किया। इसके बाद यह मामला राजस्थान कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट में एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। वहीं बीएड वालों ने रीट लेवल 1 में शामिल करने के लिए अपील हाई कोर्ट में की और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीटीई और केंद्र सरकार ने बीएड वालों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब आज जो फैसला हुआ उसमें क्या कहा गया, क्या है पूरा मामला, उसकी भी हम बात करते हैं। साथियों, आज जो सुनवाई हुई उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई कि वह केंद्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा, डिप्लोमाधारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान सहा ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया। साथ राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। यानी कि अब कुल मिलाकर के जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड वाले कैंडिडेट अब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के टीचर नहीं बन पाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको बाहर कर दिया गया है। और ये जो फैसला है सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लिए है। तो जो भी वैकेंसी आई हुई है अभी, जैसे बिहार में चल रही है, किसी भी स्टेट में चल रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बीएड वाले अब वहां पर क्या माने जाएंगे भाई, पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक सिर्फ और सिर्फ अब कौन, बीटीसी वाले यानी कि डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। तो अब बीएड वालों का क्या होगा, क्या कुछ फैसले में परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, इसको लेकर आंदोलन अपना छिड़ना स्टार्ट हो चुका है। काफी सारी जगह पर आपके जो कहे शिक्षा संघ के जो लोग हैं वो अपना आंदोलन छेड़ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, जब तक बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक भर्ती नहीं की जाएगी। तो अभी इस पर हो सकता है विवाद शुरू हो जाए, लेकिन अभी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं, तो बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं बीएड वाले कैंडिडेट्स को एक एडवाइस करूंगा कि वो क्या करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लें, पीजी अपना कर लें, पीजी के बाद में आप अपना टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलटी ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, बीईओ के लिए आप कर सकते हैं, पीसीएस स्पेशल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारी पोस्ट है टीचिंग लाइन में कैरियर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप 1st से लेकर 5th तक ही टीचर आपको बनना है। तो मैं सभी बीएड धारकों से यही निवेदन करूंगा कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, आपके पास शिक्षा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अभी इस पर जो देखा जाएगा कि बहुत सारे मामले अभी इस पर चलेंगे, अभी बहुत सारा विवाद इस पर चलेगा, हो सकता है और भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आपकी दाखिल की जाए। तो आप अभी परेशान मत होइएगा बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस समय अगर मैं बात करूं 2018 से लेकर और 2023 चल रहा है, तो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग बीएड कर चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि भाई उनको क्या होगा, उनके पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ आपका इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएड अगर प्राइमरी से बाहर कर दिया गया तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी आप गलत कदम ना उठाएं। तो
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।